एसिड अटैक्स बंद करो, एसिड अटैक्स बंद करो, एसिड अटैक्स बंद करो। बेटियां हमारी शान है, बेटियां हमारी शान है, शान है। बेटियां हमारी शान है, बेटियां हमारी शान है। एसिड अटैक्स बंद करो, एसिड अटैक्स बंद करो, एसिड अटैक्स बंद करो। बेटियां हमारी शान है, बहनें हमारी। मेरा नाम इमरान खान है और मैं शुगर फाउंडेशन से हूँ। जैसे आपको पता है सबको कि कल वो एक बच्ची पे, हमारी बच्ची पे एक अटैक हुआ था। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमारे जवान जो लड़के हैं, जो एक लड़की पे अटैक किया है लोगों ने। तो इसलिए हम यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे एनजीओ, चाहे वो इंसानियत है, बून फाउंडेशन है, हमारे से जुड़े हैं। हम इस चीज़ का कंडम कर रहे हैं कि जो ये अटैक इस गर्ल पर हुआ है, ये हमारी बहन है, हमारी भाई सिस्टर है, चाहे वो हमारी माँ है, ये एक इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो अटैक इन लोगों ने किया है, तो इसलिए फाउंडेशन, शुगर फाउंडेशन ने आज ये प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इस चीज़ का हम कंडम कर रहे हैं। थैंक यू। दिलसोज वाकया है, और जो ये कश्मीर में पहली बार हो गया है, पहली बात ये है कि ये कश्मीर में पहली बार हो गया है, हमारी एक बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। ये अभी हम कश्मीर में जो भी लड़की है घर से निकलती है, सुबह निकलती है, शाम को आती है, डर नहीं रहता है, बट ऐसे अगर वाकयात होंगे तो लड़कियां घर से कहाँ निकल पाएगी, जबकि गवर्नमेंट हमारी बोल रही है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को एम्पावर करो। अगर ऐसे वाकयात होते रहेंगे तो हमारी बेटियाँ आगे तो बढ़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो घर में ही रहेगी। तो ये ऐसी चीज़ें रोकनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इन कल्प्रेट्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई भी आगे जो इनकी देख के कोई भी आगे बंदा ऐसा सोचे भी ना। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो भी बंदा आगे ये ऐसे करने का पहले सोचे, तो वो उनको ये इनकी याद दिला के, याद आके वो कोई भी ऐसा स्टेप आगे ना ले। तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो, थोड़ा सा बोलो, ये गेस्ट ना ऑडियो। जी मेरा नाम इमरान फारूक है। इमरान साहब, ये किसकी तरफ से आज जो यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ है, जो कल एसिड अटैक शायद हुआ उसका? सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है शुगर फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। पहले तो अल्लाह ताला उस बच्ची के घर वालों को सब्र दे और उस बच्ची को जल्द से जल्द सेहतियाब करें, हमारी यही दुआ है। हमें अगर इस बार अभी नहीं ये सोचा कि इन एसिड अटैक्स पे और ऐसे हादसों पे कैसे काम किया जाए, तो बहुत देर हो जाएगी। जो हमारी बेटियों की सेफ्टी के बारे में है, तो मैं इस चैनल के हवाले से गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस हादसे के जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो जिन्होंने ये किया है, प्लीज़ जल्द से जल्द तहकीकात हो और उन्हें जल्द से जल्द उनकी सज़ा मिले। थैंक यू, अदरवाइज़ बहुत देर हो जाएगी। शुक्रिया।